साई की बात। बच्चे एक बात बताओ, आज तुम ही बताओ, तुम ही से पूछता हूँ कि मैं बैठा क्यों हूँ। मेरे बच्चे क्यों बैठता हूँ मैं, बोलो। जब तुम सब कुछ अपने आप से ही सोच लेते हो मेरे बच्चे, तो मेरे होने और ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे। जब सब कुछ करने वाला मैं हूँ, तेरे घर में जो भी चल रहा है ना मेरे बच्चे, वो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तेरा घर का मुखिया जो भी फैसले लेता है ना मेरे बच्चे, वो सब मेरे आदेश के अनुसार लेता है मेरे बच्चे। वो तो सिर्फ मेरा सहायक है मेरे बच्चे, और सब कुछ मैं करता हूँ। असलियत में तेरे घर का मुखिया मैं हूँ मेरे बच्चे। भरोसा तो रख अपने साई पर, अगर भरोसा नहीं कर सकता तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। भरोसा तो रखना पड़ेगा ना। जब मैं बैठा हूँ हर चीज़ करने के लिए, तो क्यों चिंता करते हो मेरे बच्चे, क्यों? मैं तुमसे पूछता हूँ आज, जब सब कुछ मैं करता हूँ, जब सब कुछ मेरे हाथ में है, तो फिर जानते हुए भी तुम चिंता करते हो क्यों मेरे बच्चे, क्यों? अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाता है, या कभी कोई चोरी हो जाती है, या कोई बीमार पड़ जाता है, फिर भी डरते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा। हमेशा नकारात्मक सोच से घिरे रहते हो हमेशा मेरे बच्चे, बस यही सोचते रहते हो क्या होगा कैसे होगा। अगर एक भी दिन तुम्हारे व्यापार में मेरे बच्चे थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए, या तुम्हारा व्यापार घटता हो, तो तुम परेशान हो जाते हो। रात रात भर तुम सोते नहीं हो मेरे बच्चे, चिंता करते रहते हो और अपने साईं से कहते रहते हो, ये कोई बात हुई भला? तुम जानते हो ना कि सब तुम्हारे साईं के हाथ में है। जब सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ, तो सब संभाल लूँगा ना, तेरे परिवार को भी और तुझे भी मेरे बच्चे। तुम सिर्फ धार्मिक कार्यों में ध्यान रखो, अपने काम को अच्छे से किया करो, और नकारात्मक सोच को बहुत दूर कर दो मेरे बच्चे, बहुत दूर कर दो। अगर नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक होगा मेरे बच्चे। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा सकारात्मक सोचो मेरे बच्चे। जब मैं बैठा हूँ, तेरा साईं बैठा है ना, तो किसी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, इस दुनिया में धूप छाया, सर्दी गर्मी, बरसात, हवा पानी, ये सब मैंने बनाए हैं मेरे बच्चे, सब मैंने बनाए हैं, और ये मेरे सारे बच्चों के लिए समान है। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे तुम क्या करते हो, एक कमरे में अपने आप को कैद कर लेते हो मेरे बच्चे, क्यों? तुम्हें भी तो हक है ना उजाले में काम करने का, क्यों मेरे बच्चे? इस डर से कि दुनिया की तुम्हें चार बातें सुनने को मिलेगी, लोग तुम्हें ताना मारेंगे, तुमसे दो बात कहेंगे और तुम्हें दो बातों का जवाब देना पड़ेगा, इस डर से मेरे बच्चे अंदर ही अंदर रह जाते हो, क्यों? लोगों की नज़रों से बचते हो मेरे बच्चे, क्यों? जवाब देना सीखो ना, सामना करो। अगर तुम गलत नहीं हो, और ये बात मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, तो सामना करो ना मेरे बच्चे। तुम अगर एक बार सामना करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर अपने आप हिम्मत आ जाएगी लड़ने की मेरे बच्चे। तुम्हें जवाब देना होगा, इस समाज से तुम्हें लड़ना होगा। कब तक मेरे बच्चे अपने आप को इस तरह कमरे में कैद करोगे? ये तो सही नहीं है ना मेरे बच्चे, अपने आप को कैद करना, ये तो गलत बात है ना। और सुनो, अगर तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना मेरे बच्चे, तो देखना सब आसान हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे बच्चे। कोई भी तनाव नहीं रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, सब अपने आप होता जाएगा। तुम सिर्फ और सिर्फ साईं सा चरित्र पर ध्यान दो, नियम से पढ़ो मेरे बच्चे। तुम जितना नियम से पढ़ोगे ना, तुम देखना उतना ही तुम्हारे काम बनते चले जाएंगे मेरे बच्चे। और सुनो, किसी मेरे बच्चे ने किसी के लिए, आत्मा की शांति के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, तो मेरे बच्चे तुम्हारी वो प्रार्थना कबूल हो चुकी है मेरे बच्चे, कबूल हो चुकी है। और सुनो, तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साई हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम डरा मत करो मेरे बच्चे, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी हर समस्या का हल मैं निकालूँगा। तुम्हें कभी भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे परिवार में जो भी समस्या है ना, हर किसी की समस्या को मैं दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। जो तेरे परिवार पर जो आपत्ति, जो विपत्ति आई हुई है ना, उन सभी को दूर कर दूंगा। तुम पूरा परिवार मिलके मेरे बच्चे एक साथ ध्यान क्यों नहीं करते मेरे बच्चे? मेरा मंत्र ही जाप कर लिया करो मेरे बच्चे, तुम देखो तुम्हारे घर परिवार में कितनी सुख शांति हो जाएगी मेरे बच्चे। अपने आप सब कुछ दूर हो जाएगा, और जो ये मानसिक तनाव है ना, ये देखना ये सब कुछ दूर होगा,
और तुम्हारे घर में मेरे बच्चे जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं ना, तुम जानते हो मेरे बच्चे वो किस रूप में शुरुआत हो सकती है उनकी, एक दूसरा ही रूप वो ले रहे हैं मेरे बच्चे, और तुम जानते भी हो। तो इसी के लिए मेरे बच्चे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मंत्र जाप करना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो, पूरा परिवार मिलके करो मेरे बच्चे। तुम देखो तुम्हारे साए की कितनी कृपा होगी, तुम्हें थोड़ा सा भी अगर अंदाज़ा है ना कि तुम्हारे साए का प्यार कितना है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तो उसके बाद ना तुम कभी किसी से कुछ पूछोगे नहीं, कभी किसी से कोई सवाल नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ध्याओगे, मेरा मंत्र ध्याओगे मेरे बच्चे। तब तुम्हें पूर्ण विश्वास होगा अपने साई पर कि साई है तो सब है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो बहुत नकारात्मक सोच रखता है मेरे बच्चे, तो उनके हाथों से अनदान करवाओ मेरे बच्चे। अगर वो अनदान करेंगे ना तो देखना सब कुछ ठीक होता चला जाएगा मेरे बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा, उनका दिमाग जो बिगड़ गया है ना वो भी सही रास्ते पर आ जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जिनकी शादी हुई ना वो मानसिक तनाव से ग्रस्त थे मेरे बच्चे, और तुम्हारे साथ उनकी शादी कर दी गई झूठ बोलकर मेरे बच्चे, धोखे में मेरे बच्चे। और अब जाकर तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ, गलत हुआ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं तुमसे यही कहूँगा कि चिंता तुम बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम सही हो और वो गलत है मेरे बच्चे। चाहे वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें गलत साबित करने की कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे मेरे बच्चे, सही तुम ही साबित होगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अपने साए पर भरोसा है ना तुम्हें, तो बस बेखौफ रहो, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, सब कुछ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी ना मेरे बच्चे कुछ चीज़ों को संवरने में वक्त लगता है मेरे बच्चे, कुछ जख्मों को भरने में वक्त लगता है। और तुम्हारे आसपास या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है मेरे बच्चे जिसके जख्म अभी हरे हैं मेरे बच्चे, तो उसे उबारो मत, बार बार उनसे पूछताछी करोगे तो वो परेशान ही होंगे ना मेरे बच्चे, चिड़चिड़ाएंगे, उन्हें थोड़ा वक्त दो मेरे बच्चे, उनके जख्मों को कुरेदो मत मेरे बच्चे, उन्हें उबरने मत दो मेरे बच्चे, बल्कि उनका साथ दो मेरे बच्चे, उन्हें इधर उधर कामों में लगाओ, उनके साथ इधर उधर जाओ, बातचीत करो उनसे, लेकिन उस बारे में कभी बात मत करो जिन्हें सोचकर, जिस बारे में सोचकर उन्हें दुख हो मेरे बच्चे। ऐसा कोई काम मत करो जिसके बारे में सोच सोचकर वो परेशान रहे, क्योंकि मेरे बच्चे वो मानसिक तनाव में जा सकते हैं, ज़्यादा सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे मेरे बच्चे, तुम चाहते हो ऐसा नहीं ना, तो उनका ध्यान रखो मेरे बच्चे। और सुनो, सब कुछ तुम्हारे सामने था मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी तुम सच से अनजान थे मेरे बच्चे, तुम्हें सच दिखाया ही नहीं गया, आधा अधूरा सच तुम्हारे सामने रख दिया गया, लेकिन पूरा सच तुम्हारे सामने ही था मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करो, पूरा सच तुम्हारे सामने मैं लेकर आऊँगा, तुम्हारा साईं लेकर आएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत बनने की ज़रूरत है मेरे बच्चे, मजबूत बनो, जब तक मजबूत नहीं बनोगे कैसे लड़ पाओगे मेरे बच्चे, दूसरों से नहीं मेरे बच्चे, खुद से, खुद से जो लड़ाई होती है ना उसमें जीत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप से जीतो, खुद से जीतो मेरे बच्चे, और अगर तुम ऐसा कर गए ना तो इस दुनिया पर भी तुम जीत हासिल कर लोगे मेरे बच्चे, कर लोगे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।